बेईमानी की बुनियाद पर बने आसमान को छूते हुए भ्रष्टाचार के टावर धराशायी हो गए। इन इमारतों का जमी दोष होना है उस निरंकुशता का जो नियमों को ताक पर रख कर गाहे बगाहे खड़ी हो जाती है। सैकड़ों करोड़ रुपया लगाकर जिन इमारतों को बनाई गई, वही करोड़ों रुपया लगाकर इन इमारतों को ढाही गई। लगभग 500 करोड़ की लागत से बनी ये 40 मंजिला ट्विन टावर अब धूल बन गए हैं और जमीन पर इसके मलबे बिखरे पड़े हैं। इसे गिराने के लिए लगभग 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल किया गया और इसे गिराने में कुल 8 करोड़ रुपये लगे हैं। ये इमारत गिरने से पहले ऐसी थी। इसके आसपास लगभग 7000 लोग रहते हैं। इन इमारतों की नींव नियमों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के काले कारनामों पर रखी गई थी, जिस कारण हवा से बात करने वाली इस इमारत को सुप्रीम कोर्ट ने ढा देने के लिए आदेश दे दी। यह इमारत दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची है। इसके मालिक आरके अरोड़ा अभी भी इसी बात की गुहार लगा रहे हैं कि उन्होंने नियमों के अंतर्गत ही यह इमारत बनाए थे। अब तक भारत में गिराए जाने वाली बिल्डिंगों में से ये सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस 40 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया। सिर्फ 9 सेकेंड लगे इसे धराशायी होने में और ये बिल्डिंग से मलबे में बदल गया। फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thanks for watching.